नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक लेकर आ गया हूं। अभी मैं आप सभी को एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इस प्रश्नावली 2.1 का ऐच्छिक कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी संख शून्यक है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध भी को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सोल्व करके आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैं क्वेश्चन को पहले लिख लिया। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन लिख लिया। तो सबसे पहले जो दिया गया है ये, इसको आप पी एक्स मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये पहला जो है ना, वन बाई टू यानी एक्स का, ये आपका जो पहला शून्यक है इसको चेक करिए। तो इसमें मान भर के देखते हैं, जहाँ जहाँ भी एक्स लिखा हुआ है इसमें बहुपद में, उस एक्स के स्थान पर 1/2 भर के देखिए। ठीक है, तो चलिए x के स्थान पे हम 1/2 लेते हैं। यहाँ भी x के स्थान पे 1/2, x के स्थान पे 1/2, x के स्थान पे 1/2 और ये प्लस 2, तो 2 हो गया। यहाँ पे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस है माइनस। और यहाँ पे देखिए 5 में 1 से, तो 5 बाई 2 प्लस 2। ठीक है, अब इसको काटिएगा 2 से, 2 चौके 8। ठीक है, तो 1/4 यहाँ पे 4, 1/4 और माइनस 5/2 और प्लस 2। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव करिएगा आप, तो 4 2 1, तो 4 2 1 का लघुत्तम क्या होगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। ठीक है, यहाँ पे 1 10, ये माइनस 10 8 कैसे आया देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे 4 है और वहाँ भी नीचे 4 था, तो 4 4 बराबर 1 उतर जाएगा, 4 4 इसमें भी 4 है, तो इसमें ये ऊपर वाला उतर जाएगा। यहाँ पे 2 4 था नीचे ना, तो 2 2 4, 2 बार में 4 हो रहा था, तो 5 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 है, तो इसको 4 लाने के लिए इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 8 हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए मैंने वही लिख दिया। ठीक है, 1/4 था, तो 4 से 4 बराबर तो 1 हो गया, 1/4 था, तो 4 से 4 बराबर था, तो 1 उतर गया। और वहाँ पे कितना था आपका, आपका माइनस 5/2 था ना, तो 2 2 4, तो 5 2 10 हो गया। यहाँ पे 2 था ना प्लस में, तो 2, तो 4 2 कितना हो गया, 8। तो 1 1 2 हो गया, 8 10 हो गया, 10 में से 10 घटा 0, और 0 में 4 से डिवाइड किए 0। फिर 1 लेना था ना x का मान, देखिए यहाँ पे 1 लेना था आपको, यहाँ पे देखिए 1 लेना है। ठीक है, तो 1 लेना है एक बार, फिर उसके बाद -2 लेना है, फिर इसी में भरना है, इसमें पी एक्स में। यहाँ पे 1 भरेंगे तो 2 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2, देखिए मैंने वही भर दिया। अब यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5, 2 है तो 2, 2 एकम 2, 1 माइनस 5, 2 2 1 3 3 5, हमें से 5 घटा 0। ठीक है, इसी तरह से आपके क्या ले लिया, x बराबर -2, फिर उसी में भर दिए, तो -2 का क्यूब, यहाँ -2 का स्क्वायर, -2 प्लस, यहाँ पे देखिए 2 और 2 का क्यूब, क्यूब करिएगा, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे विषम है, तो इसलिए माइनस में आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है और विषम है इसलिए माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे विषम संख्या है, तो माइनस में हो और पावर सम संख्या हो तो ये प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 2 10, प्लस 2 है तो 2, माइनस 8 2 16, यहाँ पे इस सबको जोड़िएगा, 10 4 14 2 16, प्लस माइनस घटने पर क्या आ गया, 0। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 1/2 पर भी 0, 1 पे भी 0 और -2 पर भी 0 आ गया। तो अतः 1/2 1 -2 पी एक्स का क्या है, एक शून्यक है। ठीक है, अब आपको जांच करना था, तो ये जो द्विघात त्रिघात बहुपद दिया गया था, ठीक है, उसको लिख लीजिए, इसको इससे तुलना कराइए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ bx² + cx + d, इससे तुलना करिएगा। तो देखिए a के स्थान पे क्या हो गया, 2, b के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1, देखिए इसमें कुछ नहीं छिपा है, तो 1 छिपा रहा था ना, और c के स्थान पे यहाँ पे क्या है, -5, और यहाँ पे d के स्थान पे क्या है, 2। ठीक है,
अब यहाँ पे अल्फा का मान कितना, 1/2 दिया था ना पहला शून्यक, और दूसरा 1 था, और तीसरा हमारा -2 था। अब इसके बीच सत्यता की जांच करना था हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना है 1/2, फिर बीटा का मान 1, फिर गामा का मान -2। अब इसको भी इनके जोड़ कर लीजिएगा तो बट्टा में 1, 2 कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं आप। ठीक, यहाँ भी 1 आप लगा सकते हैं, और 1, 2, 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2, 2 बराबर है तो 1 उतर जाएगा, देखिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 तो यहाँ पे 2 है तो 2 बार में होगा, तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 1 के पार 1 है ना, वहाँ पे 2 है तो 2 बार में हो जाएगा, तो -2 दुना कितना हो जाएगा आपका 4, तो 2 1 3 -4। अब इसको घटाने पर क्या आ गया, -1/2, यानी कि आपका देखिए बी का मान -b/a लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बी का मान 1 है ना, देखिए यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ए का मान 2 है, देखिए ए का मान 2 है, तो यानी कि -b/a को दर्शा रहा है कि ये सूत्र तो होवे करता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है, ये इसका जांच हो गया। अब चलिए इसको जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा दो शून्यकों का गुणनफलों का योग जांच करना है, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा का मान 1/2 था, बीटा का मान 1 था, प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान -2, प्लस गामा का मान -2, अल्फा का मान 1/2, तो 1/2 आ गया। गुना करने पर माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, -1 हो गया। अब इसको भी इनको जोड़ करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 लघुत्तम हो गया, 1 यहाँ पे 2 दूना 4, -2 एकम 2, तो 1 -6 यानी -5/2, तो 5/2, तो सी का मान आपका, ये सी का मान हो गया, देखिए यहाँ पे सी का मान -5 दिया है ना, और बटा ए, ए का मान 2 था, देखिए यहाँ पे ए का मान 2 था, यानी कि आपका c/a को दर्शा रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं ना कि अल्फ़ा इंटू बीटा बी प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है, c/a। ये भी जांच हो गया। चलिए अब हम शून्यकों का गुणनफल जांच करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो देखिए यहाँ पे आप -1 में 1 से 1 हो गया, -2 से गुना करेगा तो -2 और बटा में 2 काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए d का वैल्यू, यहाँ -d/a ये सूत्र होता है, तो ये देखिए d का मान 2 दिया है और a का मान 2 है, ये है, और ये माइनस है तो ये भी माइनस, यानी कि d का मान 2 है ना, a का मान 2 है ना, और वहाँ पे माइनस लगाया गया है, क्योंकि सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये भी जांच हो गया, अतः संबंध के बीच में जो सत्यता था वो आपका ये संबंध सत्यापित हो गया। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है x³ -4x² + 5x - 2, और ये सब शून्य की इसके दिए गए हैं, जांच करना है कि इसके शून्य है कि नहीं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 2 है ना, तो 2 भर के इसमें जांच करिए, पी एक्स मानकर, तो 2 का क्यूब 8, 2 भरेंगे ना यहाँ पे भी, 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 भर दिए, तो 2 दूना 4 दूना 4 4 16 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, -2 है तो -2, तो यहाँ पे 8 10 18, 16 2 18 घटा लेने पर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर आपको क्या भरना है, 1, इसमें 1 भरना है, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1 भर दिया गया, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 4 5 -2, यहाँ पे 5 1 6 हो गया, -4 2 6 हो गया, 6 में से 6 घटा 0 हो गया। ठीक है, अब चलिए फिर यहाँ पे देखिए क्या भरना है, फिर 1 ही भरना है, और कहाँ भरना है, इसमें भरना है 1, तो यहाँ पे भी 1 करना है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और सब ऐसे ही। तो देखिए मैंने 1 वहाँ पे भी भर दिया, यहाँ पे भी भर दिया, वहाँ पे भी, 1 का क्यूब 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 होता है, 4 से गुणा होगा तो 4, 5 एकम 5 -2, 5 1 6 6 4 2 6, घटाने पर 6 में से 6 0। अब चूँकि देख रहे हैं कि p2 = 0, p1 = 0, p1 = 0, तो अतः हमारा 2 1 1 px का एक शून्यक है। ठीक है,
अब चलिए इसको जांच करते हैं हम। तो ये जो दिया गया था ये द्विघात त्रिघात बहुपद, इसको हम ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करेंगे, ए बी सी डी का मान लिखेंगे। तो ए का मान कितना हो गया, इसमें कुछ नहीं सेट है तो 1, और बी के स्थान पे यहाँ पे कुछ -4 है, और यहाँ पे सी के स्थान पे क्या है 5 है, और यहाँ पे डी के स्थान पे -2 है, ठीक है। और पहले वाले को अल्फा बीटा गामा मानना था, पहला कितना था 2 और दूसरा 1 और तीसरा भी 1 था। अल्फा बीटा गामा मान लिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि 2 + 1 + 1 यानी कि 4। अब देखिए मैं इसको -4 और माइनस लिख सकता हूँ और बटा 1 लिख सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक फिर एक से भाग देंगे इतना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है सूत्र, -b/a। तो ये देखिए ये b का मान हो गया और यहाँ पहले से सूत्र में माइनस होता है और बटा a। अब देखिए यहाँ पे आपका b का वैल्यू कितना, -4, सही है ना, और a का वैल्यू कितना 1, देखिए है ना सही, यानी इसके शून्यकों का योग का सत्यता जांच हो गया। अब चलिए दो शून्यकों का गुणनफल का योग जांच कर लेते हैं। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा यानी 2 × 1, बीटा इंटू गामा यानी बीटा के भी मान 1 था, गामा के भी मान 1 था तो गुना हो गया, प्लस गामा इंटू अल्फा, तो गामा के भी मान 1 था और अल्फा का मान 2 था, तो 2 × 2 1 × 1 2 × 2 5 आ गया, हम इसको 5/1 लिख सकते हैं। ये हो गया c/a सूत्र। तो देखिए सी का मान 5 है, हाँ देखिए है, और ए का मान कितना 1, देखिए यानी c/a यानी दो शून्यकों का गुणनफल का योग कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c/a। ये इसके बीच भी सत्यता की जांच हो गई। अब चलिए गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो 2 × 1 × 1 यानी कि 2 आया, हम इसको माइनस माइनस लिख सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसमें 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही आएगा। और यहाँ पे -d/a सूत्र होता है, तो ये शर्त लागू, यहाँ पे माइनस, ये d का मान -2 और a का मान 1, देखिए d का मान आपका -2 और a का मान 1, राइट है ना। तो यहाँ पे भी इसके भी सत्यता की जांच हो गई क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a, ठीक है। और संबंध जो स्थापित करना था ये संबंध स्थापित हो गया। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणनफलों का को एक साथ लेकर उसके शून्य गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, कितना कितना है 2 - 7 - 14। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दिया है पहला शून्यकों का योग, ठीक है, और दो शून्यकों का गुणनफलों का योग दिया है कितना -7, और -14 कितना दिया है तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है, हमने लिख दिया, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद निकालना था, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो एक्स क्यू और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है 2, तो भर दीजिए 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा वाला, देखिए यहाँ पे कितना मान है -7 है इसका मान, ठीक है, तो इसका मान हम -7 भरेंगे यहाँ पे, यहाँ पे -7 भरेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -7, और यहाँ पे पहले से क्या है सूत्र में एक्स है ना, तो ये एक्स लिख दीजिए, ठीक है, और माइनस है तो माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे यहाँ पे स्थान पे -14 आप भरिएगा तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 14 हो जाएगा, यानी एक्स क्यू -2x² - 7x + 14 यानी कि 14, ठीक है, एक्स क्यू -2x² - 7x + 14 यही इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला सवाल, यदि बहुपद एक्स क्यू -3x² + x + 1 के शून्यक a - b a a + b हो तो ए बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, वो भर दिया, तो अल्फा के मान कितना है आपका a - b भर दीजिए, प्लस बीटा के मान कितना लिखा है a रख दीजिए, गामा के मान क्या है अल्फा a + b तो ए भी रख दीजिए, और बराबर है तो बराबर माइनस, और b का मान कहाँ से लिखना है यहाँ से, देखिए a का मान 1 है और b का मान -3 है तो -3,
और सूत्र में माइनस होता है, और ए ए का मान कितना था, एक है ना यहाँ पे छिपा, तो एक ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कट रहा है, क्या कट रहा है आपका, बी से बी कट रहा है, प्लस माइनस बी खत्म, तो एक ए दो ए तीन ए, तो तीन ए हो गए, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक से भाग देंगे तीन में तो तीन हो जाएगा, तो तीन में तीन से भाग करिएगा तो तीन एकम क्या हो जाएगा तीन, यहाँ पे ए इधर कुछ नहीं बचा तो एक, यानी ए का मान एक आ गया ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए सूत्र होता है, तो अल्फा का मान कितना था ए माइनस बी, बीटा का मान ए और गामा का मान ए प्लस बी था, और माइनस और डी का मान कहाँ से लेना है आपका यहाँ से, तो डी का मान कितना है एक, ए का मान क्या है एक, तो देखिए एक एक भर दिए यहाँ पे सूत्र में माइनस, तो ए रहने दिए, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है दोनों को गुणनफल ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान हमारा कितना है एक, तो यहाँ पे भी एक भर देंगे, यहाँ पे भी एक भर देंगे, ये जैसे उसे छोड़ देंगे, ये जैसे उसे छोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर था तो ए का मान एक भरेंगे, एक का स्क्वायर एक ही होगा ना, यहाँ पे भी ए था तो एक भर दिए, और यहाँ बी स्क्वायर था तो बी स्क्वायर छोड़ दिए, तो एक में इतना एक से गुना के एक, एक में बी स्क्वायर से तो बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस वन है तो माइनस वन, और ये वन उधर चला गया तो माइनस वन था, एक और माइनस वन गया तो माइनस टू हो गया, और इधर माइनस बी स्क्वायर था, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस ठीक है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर था, स्क्वायर हटा तो उधर जाकर रूट चढ़ा, और रूट तर प्लस माइनस का चिन्ह छिपा रहा था, अतः ए का मान एक और बी का मान प्लस माइनस रूट टू, यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू वेरी मच। अब अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा।